नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं आप इन 24। इस समय मॉडल टाउन में मौजूद है एक घर के अंदर, जिस घर के अंदर एक प्लम्बर काम करने के लिए आता है। इस जगह पे प्लम्बिंग का काम करता है और यहाँ पर वो गिर जाता है और उसके मुंह से झाग निकलती है, जो लोगों ने बताया। कुछ सामान भी यहाँ पर पड़ा हुआ आप देख सकते हैं, जो काम जो है उसने जो सामान फिट करना था बाकायदा वो बाइक के ऊपर आया हुआ था, एक स्प्लेंडर बाइक के ऊपर सिल्वर कलर की। और यहाँ पर अभी उसकी पत्नी मौके पर पहुंची हुई है और जिनका फिलहाल कहना है कि उसे परिवार के कुछ लोगों का कहना है कि उसे कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं थी, फिर अचानक से वो गिर कर जो है उसके मुंह से झाग क्यों निकलने लग गई। और सामने वाले को बुलाकर इनका सिर्फ इन्होंने सामने वालों को बुलाकर मालिश करी है तेल की, अचानक 2 से 3 मिनट में इनकी डेथ हो गई है जी। शरीर इनका बिल्कुल पीला पड़ चुका है। इनके माताजी अकेले थे, माताजी कोई गलती नहीं है यहाँ पर। एक बार पहले भी परसों आ चुके थे, सामान कर लिखवा कर गए हैं। आज सामान आते हुए सिर्फ 2 से 3 मिनट हुई है, नट खोलते हुए बैठे बैठे गिर चुके हैं। माताजी ने हम लोगों को सामने से बुलाया है, मालिश की है, मालिश करते में इनकी डेथ हो गई है। मालिश करते इनकी डेथ हो गई है। आपके सामने अचानक से गिर गए थे आंटी? हाँ, मैं बैठी थी बेटा, मैं कुर्सी पर बैठी है करने लग रहा था बेटा, अरे हमने फिर गल इस पर पढ़ाया जना वो लक मालिश करो, कोई हाथ की करा कोई पैर की करा, इन्हें तो बेटा बस ले मुँह से झाग निकल। हाँ थोड़े झाग ली पड़े मुँह में, तो थोड़े थोड़े। जो पत्नी है वो पीछे की तरफ खड़ी हुई, माता जी आपका क्या नाम है? सरुते। तो यहाँ पर जो है उनके पत्नी है, आपको तस्वीर जो है हम शव की नहीं दिखा सकते हैं जो कि नियमों के खिलाफ है, और पीछे उनकी पत्नी आई है और बताया जा रहा है परिवार में 20 साल बाद एक बेटा हुआ था 4-5 महीने का, जो जानकारी लोगों ने अभी तक दी है। और उनकी परिवार में उनकी जो पत्नी है जिनका कहना है कि उनका इस समय दुनिया में कोई नहीं है, और बाकायदा उनके जो बता रहे जो जीजा हैं वो मौके पर पहुँचे हुए हैं, कुछ रिश्तेदार यहाँ पहुँचे हुए हैं। आपको तस्वीरों में अगर हम दिखा दें तो उनके परिवार के ही कुछ लोग हैं यहाँ पर, ये भी इनके परिवार के हैं। तो बारे हैं सारे खड़े, तो बारे एमसी साहब खड़े सारे खड़े, जो पुलिस कार्रवाई करनी है वो करो, बुलाओ ठीक है। हाँ पुलिस से नहीं आ रही, बता रहे पुलिस में भी बड़ी देर की, बहुत देर की पुलिस में कंप्लेंट, 1 घंटे से ज्यादा तो इन मीडिया वाले आए ना हो गए, अब तक भी पुलिस नहीं पहुंची है, समझ में नहीं आ रही बात क्या। अरे पुलिस जो है लगभग 1 घंटा तो हो चुके, हम भी यहाँ पर हैं तब से पुलिस नहीं आई अभी तक, और इसीलिए शव यहाँ पे पड़ा हुआ है। मालिक की वजह से कोई दिक्कत नहीं है, बंदे इसको इसमें तो पहले ठंडा हो गया, क्योंकि पुलिस आने के बाद ही शव को उठा रहे थे, ठंडा तो हो गया तो हमने भी देख रहा है, बाकी कार्रवाई तो करनी है ना। ऐसे आप कहाँ से आए हैं? मैं इसकी बहन हूँ, मेरे लुधियाना से आ रही हूँ, मैं यहाँ कोठी ले रखी मना बहन कैसे इनके भी आप मेरा भाई है, आपके भाई हैं छोटे भाई हैं? हाँ छोटा भाई है मेरा, कर रहे हैं बातचीत पुलिस। नाम क्या था इनका? रामू। राम नाम क्या था? राम कुमार। वो यहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी बहन भी पहुंची हुई है, बकायदा उनके जीजा यहाँ पहुंचे हुए हैं, और अभी तक पुलिस मौके बच्चा ये बच्चा हुआ था बता रहे हैं 20 साल बाद होया, ये 20 साल बाद 20 साल बाद हो यहाँ भी। तो आप समझ सकते हैं परिवार में कितना दुखों का पहाड़ परिवार पे टूट पड़ता है, उनकी पत्नी मौके पर है। डर क्यों रहा है? अब समझ सकते हैं कि उनकी पत्नी जो कि परिवार में बड़ी मुश्किलों से खुशियां आई थी, 4-5 महीने का बेटा उनका जो कि अभी 4-5 महीने पहले ही जैसे होता है, और अब पति की अचानक से मौत हो जाती है, जो कि घर में प्लम्बिंग का काम करने के लिए आए थे। आपके पति को कोई दिक्कत भी थी पहले से? कोई कुछ भी नहीं है, मेरे साथ में तो 20 साल हो गया, कोई परेशानी कोई परेशानी नहीं थी इसको तो, इसको कोई दिक्कत नहीं, इसको तो कभी बुखार भी नहीं आवे था।
बता रहे हैं आपके पति के मुंह से कह रहे हैं अचानक से झाड़ कभी भी नहीं आया, मेरे साथ 20 साल हो गए हैं, बच्चा मेरे गोद में, कभी से कुछ कोई बीमारी नहीं, कोई नहीं थी जिसको था। तो आप समझ सकते हैं उनकी पत्नी बैठी है यहाँ पे और ये सबसे ज्यादा दर्दनाक है कि परिवार में खुशियां महज कुछ समय पहले आई थी और इस तरीके से ये खबर सुनना एक पत्नी के लिए कितना ज्यादा दर्दनाक होता है। अभी मौके पर पुलिस भी जो है वो पहुंची नहीं है। जिस घर में ये पत्नी बैठी है उसी घर के अंदर प्लम्बिंग का काम करने के लिए व्यक्ति आता है और फिर उसके बाद बताया जा रहा है कि उसके मुंह से झाग निकलने लगती है। इसी जगह पे ऊपर बता रहे हैं, इस जगह के ऊपर जो है वो टैप को फिट कर रहा था, जहाँ पर वो जगह आप खाली देख पा रहे हैं इस जगह पे, और यहीं पर ही जब वो टैप फिट करते हुए अचानक से इस जगह पर नीचे की तरफ गिर जाता है और फिर उसके बाद जो है उसके हाथ पैर मलने लगते हैं लोग, लेकिन उसके बाद कुछ भी हाथ में नहीं आता और बता रहे हैं वहीं देखते देखते उसकी मौत हो जाती है, वो आंखें बंद कर देता है और यहीं पर उसका शव भी पड़ा हुआ है, सिर्फ महज इसलिए कि पुलिस जो है उसे आए हुए अभी, मतलब पुलिस को 1 घंटा जो है अभी तक हो चुका है और पुलिस मौके पर नहीं पहुंची है और लोगों ने लगातार कॉल्स कर रहे हैं लेकिन पुलिस का भी कोई, प्रशासन का कोई व्यक्ति मौके पर नहीं पहुंचा है। तो आपसे अपील है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। फिलहाल यहाँ पर बॉडी पड़ी है, उम्र ज़्यादा नहीं है, महज 35 से 40 साल की उम्र में ये व्यक्ति इस तरीके से प्राण छोड़ जाएगा, किसी को पता नहीं था। लेकिन अभी तक भी परिवार वालों को ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि उन्हें कोई परेशानी नहीं थी, वो शारीरिक रूप से बिल्कुल फिट थे, उन्हें कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, कभी उन्हें बुखार तक नहीं आता था, सुबह शाम मेहनत करने वाले व्यक्ति थे। और इस तरीके से आप समझ सकते हैं उनकी पत्नी जो कि सामने आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, कभी उन्होंने नहीं सोचा था कि उनके पति जो है इस तरीके से उनकी मौत हो जाएगी। तो आपको बता दें कि फिलहाल महिला से बात करने का प्रयास करें। आपके पास आज ही आए थे, पहले भी आए थे आपके पास? पहले भी आया था मेरा, एकदम मैं 2 घंटे कर गया था काम ऊपर। अच्छा। ऊपर कर गया था 2 घंटे। एक दिन पहले आए थे, मतलब परसों आए थे? हाँ। तब आए थे? हाँ, 2 घंटे काम कर गया था ऊपर, थोड़ा सा पाइप दाब गया था। अच्छा। वो पाइप दाब का अभी सामान लगाना था इसने ऊपर, लगा लगा दू इसका तो पता नहीं बेटा, क्या मुर्गी का दौरा सा मुर्गी सी उठी, जुगूड़ा है इसके मुंह में, थोड़े जुगूड़ा है आकर बेटा, इसने तो ऐसे ऐसे गले हमने ठाका या मंजे पर पड़ा दिया, इसका मालिश मुलिस लग गया करना है बेटा। तो आपको बता दें इस समय मॉडल टाउन चौकी से जो है पुलिस मौके पर पहुंची है और अब जाकर जो कि काफ़ी देर तक जो है पुलिस यहां पर आई है। तो आपको बता दें ये जो मोटरसाइकिल आप पीछे देख रहे हैं, ये मोटरसाइकिल उसी व्यक्ति की है जो अंदर जिसकी बॉडी पड़ी हुई है, HR05AN5342 नंबर है और इसी पर वो आया था, जिसने ये सोचा नहीं था कि वो इस बाइक पर आएगा, लेकिन जिस तरीके से अचानक से उसकी मौत हो गई है, इससे परिवार वाले जो हैं वो कहीं ना कहीं सदमे में है, उनकी पत्नी सदमे में है कि उनके पति को कभी बुखार तक नहीं आया उनका कहना था, या उन्हें कोई ऐसी परेशानी नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके से लोगों ने बताया है कि हाथ पैर उनके मले, उनको अचानक से जैसे कि मिर्गी का दौरा पड़ता है, कुछ ऐसा ही एक दौरा उन्हें पड़ा और उसके बाद वो गिर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर फिलहाल परिवार वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सालों बाद, 20 साल बाद परिवार में 4-5 महीने का बेटा जो है वो होता है और परिवार में खुशियाँ आई थी और वो लगातार काम कर रहे थे अपने परिवार का पेट पालने के लिए, सुबह से शाम प्लम्बर का काम वो व्यक्ति करता था, लेकिन इस तरीके से उसकी मौत हो जाएगी ये इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, इसका किसी को इल्म नहीं था। और अभी फिलहाल मौके पर जो है पुलिस पहुंची हुई है, जिनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि आगे किस तरीके से इस कार्रवाई को फिलहाल किया जाएगा। हालांकि परिवार में आसपास जो लोग हैं उन्होंने बताया है कि वो गिर गया था, लेकिन अभी फिलहाल उसकी बॉडी को लेकर जाया जाएगा मर्चरी हाउस में और फिर वहां पर उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई है और जिस तरीके से फिलहाल उस व्यक्ति की मौत हुई है, अब आगे पोस्टमार्टम किया जाएगा और उसी से पता चल पाएगा क्या कुछ कारण है। हालांकि परिवार का कुछ और कहना है, लेकिन मौके पर जो लोग मौजूद थे वो महिला, जो बुज़ुर्ग महिला है, जो बुज़ुर्ग महिला ने बताया कि उसके मुँह से झाग निकली थी। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि क्या उसकी मौत जो है वो क्या एक नेचुरल डेथ है या कुछ और कारण भी इसके पीछे आ सकते हैं। तो आपसे प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, फिर से जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।